और उसके आगे मैं अगर इस तरह से उंगली डालता हूँ तो मेरी जो उंगली है लगभग 2 सेंटीमीटर पूरी अंदर जा रही है। बीच में आप उंगली नहीं डाल सकते हो, इसमें इतना गैप नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगला जो व्हील है उसके सामने आप इस तरह से आपकी पूरी उंगली, 2 उंगली जा सकती है इस तरह से। तो हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं विशाल। और क्या हालचाल, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो गाइस यार, मेरे जो ड्रीम स्केट थे MF 900 जो आने वाले थे वो फाइनली आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहां पर बॉक्स रखा हुआ है डिकैथलॉन का, इसी के अंदर वो पैक है। और लेकिन ये दिक्कत ये हुई है कि ये आया है 6:30 बजे शाम के, तो अभी अंधेरा हो रहा है। आप वीडियो क्वालिटी से भी पता कर सकते हैं किस तरह की क्वालिटी आ रही है वीडियो की। तो 6:30 बजे आया है और मुझे अभी इसको अनबॉक्सिंग करना है। तो दिक्कत ये आ रही है कि मैं आपके साथ में अनबॉक्सिंग करना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी मैं अगर इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ वीडियो बनाते हुए तो वीडियो क्वालिटी खराब आएगी और सही से दिखेगा भी नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको सुबह अनबॉक्सिंग करूंगा, लेकिन सुबह तक मुझे बहुत ज़्यादा सस्पेंस में रहना पड़ेगा, दिल पर पत्थर रखकर यहाँ पर रुकना पड़ेगा यार, रात भर बहुत मुश्किल से निकलेगी। तो फिर भी सुबह तक मुझे इंतजार करूंगा इसका मैं अनबॉक्सिंग करने का, आपके साथ में अनबॉक्सिंग करूंगा। और वैसे बॉक्स भी थोड़ा बहुत डैमेज हो रखा है, तो मेरा ये टेंशन है कि इसके अंदर जो स्केट है उनको कुछ ना हुआ हो। वैसे ये सस्पेंस भी सुबह ही खुलेगा जब हम सुबह इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो अभी मैं खोल सकता हूँ, अभी भी चाहूँ तो खोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ में खोलूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपके साथ में अनबॉक्सिंग करूंगा। तो यार मिलते हैं सुबह और फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। आपके लिए तो वीडियो में 1-2 सेकंड में पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपके साथ अनबॉक्सिंग करने के लिए मैं इतना इंतजार तो कर ही सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे और फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस फाइनली सुबह हो चुकी है और रात बहुत लंबी लगी मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको अनबॉक्स करने के लिए। और यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट से मैंने इसको लिया है, तो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ भी जाती है। और मेरे फर्स्ट ट्राई स्केट होने वाले हैं, तो फटाफट से इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका एक क्लोजअप सीन बता देता हूँ थोड़ा बॉक्स का, ताकि आपको भी पता, मतलब आपको लगे ना कि मैंने इसको पहले अनबॉक्स कर लिया है। तो आपको बता देता हूँ कैसा क्या है और फिर उसके बाद में हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको पूरा पैक दिख रहा होगा, और यहाँ पर जो मैं डैमेज की बात कर रहा था ये था डैमेज। आप देख सकते हैं अंदर की ओर थोड़ा फूटा हुआ है, ऊपर से तो रैपिंग सही है लेकिन अंदर की ओर थोड़ा फूटा हुआ है, लेकिन इतना डैमेज है, पहले से डैमेज है। और ये जो है बाकी तो एकदम पैकम पैक है, कोई खोला खाली किए हुई नहीं है। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा बॉक्स खुल चुका है और अब हम इसके अंदर क्या है वो देखते हैं। तो वो तो स्केट ही निकलने वाले हैं। ओ भाई ₹50 कट ओवर एक्टिंग क्या स्केट से भाई, इतने बड़े व्हील से। बॉक्स को हटा दे साइड में, बहुत बड़े गाइस है, ऑसम गाइस। तो गाइस लुक देख रहे हो आप, कितना मस्त दिख रहा है स्केट। मैं फर्स्ट टाइम मेरे आंखों के सामने ट्राई स्केट देख रहा हूँ और 110 mm के व्हील्स फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ गाइस। तो कितना मस्त दिख रहा है, बस मुझे इसका शू साइज ना थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन उसको हम पहन कर देखेंगे तो पता चलेगा सही है या फिर नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका क्लोजअप सीन बता देता हूँ और इसकी थोड़ी डिटेल्स वगैरह जो भी दी हुई है वो देख लेते हैं। वैसे तो वही रहने वाली है, आपको भी पता होगी जो वेबसाइट में रहता है वही है, लेकिन फिर भी हम इसका क्लोजअप सीन देख लेते हैं। तो गाइस ये है मेरे ओक्सेलो MF 900 और इसका मैंने 43 का साइज बुलवाया है, इंडियन साइज में 8.5 हो जाता है। और इसका पैर का साइज मैंने नापा था 26 सेंटीमीटर नापा था और फिर मैंने बुलवाया था, तो उस हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, क्योंकि मेरे जो MF 500 है उसके शू का साइज है तो थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, लेकिन ये जो है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है। लेकिन फिर भी अभी पहन कर देखेंगे तो पता चलेगा। और इसके जो व्हील है 110 mm के और 86 है हार्डनेस के साथ, मतलब जो आपके MF 500 का जो व्हील रहता है वही सेम क्वालिटी का है। और फ्रेम भी बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो बिग व्हील्स है इस कारण फ्रेम भी थोड़ा बड़ा ही रहेगा। और इसका जो एक देख रहे हैं आप, आपके ये जो दो व्हील है ना, इसमें बीच में आप उंगली नहीं डाल सकते हो, इसमें इतना गैप नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगला जो व्हील है उसके सामने आप इस तरह से आपकी पूरी उंगली, 2 उंगली जा सकती है इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा गैप दे रखा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक ठाक है, फिर भी वही क्वालिटी में आता होगा। और इसके साथ में ये ब्रेक दिया हुआ है और ये एलन की वगैरह दी हुई है इसके साथ में, कहाँ गई ये एलन की वगैरह दी हुई है। बाकी जो दूसरा शू भी सेम टू सेम है। और यहाँ पर जो बकल दिया जाता है यहाँ पर, इसमें इसने प्लास्टिक का कर दिया है पूरा, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी तो होगी इसकी क्योंकि इतने महंगे भी है। तो गजब लुक दे रहे हैं, आप देख सकते हैं एकदम क्लोजअप में, आप देख लो कितना मस्त दिख रहा है।
वैसे आपने देखे हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे आंखों के सामने अभी है ना, इस हिसाब से मुझे बहुत ही कूल लग रहे हैं ये। और गाइस ये है मेरे MF 500 और इसके शू साइज में और इसके शू साइज में MF 900 के शू साइज में दोनों में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर आ रहा है। अगर मैं इस तरह से नाप कर देखता हूँ पीछे की ओर मिलाकर रखता हूँ और सामने देखता हूँ मैं शू साइज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 या 1.5 इंच का अंतर आ रहा है, जबकि मैंने इसको 25 सेंटीमीटर या फिर 20.5 सेंटीमीटर पैर साइज नाप कर बुलवाया था और उसको मैंने 26 सेंटीमीटर पैर का साइज नाप कर बुलवाया है, तो बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है, लगभग 1 या 1.5 इंच का अंतर आ रहा है इतना। तो अब ये मेरे पैर में फिट बैठता है या फिर नहीं बैठता है वो हमको देखना है। तो इसको मैं पहन कर देख लेता हूँ ताकि मेरा डाउट क्लियर हो जाए और मेरा जो रिटर्न करने का मन है वो भी बदल जाए। आई होप कि ये अच्छा फिट बैठ जाए, नहीं तो फिर मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से इसको पहन कर देख लेता हूँ। तो अभी मैं इसको पॉलीथीन पहनकर पैर में पॉलीथीन पहनकर और फिर इसको पहनकर देखूंगा ताकि स्केट भी खराब ना हो, गंदे ना हो, अगर हमको रिटर्न भी करना पड़ जाए तो रिटर्न हो सकते हैं। तो फटाफट से इसको पहन कर देख लेते हैं। गाइस मैंने इसको पेन तो लिया है लेकिन इसका साइज मुझे कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। मेरे पैर के अंगूठे हैं वो ये वाला लेस दिख रहा है ना आपको, यही तक आ रहा है और उसके आगे मैं अगर इस तरह से उंगली डालता हूँ तो मेरी जो उंगली है लगभग 2 सेंटीमीटर पूरी अंदर जा रही है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप रह गई है। अगर ये फिक्स साइज में रहता तो मेरा पैर जो है यहाँ अंगूठा रहता वो यहाँ तक आता, तो मुझे इसको शायद अब रिटर्न ही करना पड़ेगा। बुला तो लिया यार लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद अब इसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा ही साइज लग रहा है मुझे, यहाँ पर भी लूज लग रहा है, इधर आज हाइट साइड में भी और यहाँ पर भी लग ही रहा है, एकदम परफेक्ट टाइट नहीं हो रहा है। तो गाइस यार बहुत उम्मीद से मैंने इसको बुलवाया था, मेरे परफेक्ट साइज आ जाएगा करके मैंने बुलवाया था, लेकिन अब इसका जो साइज है वो बड़ा पड़ रहा है तो मुझे अब इसको रिटर्न ही करना पड़ेगा। और बहुत उम्मीद लगा रखी थी मैंने कि बहुत स्पीड में स्केटिंग करेंगे MF 900 के साथ में, कहीं कोई से भी रोड पर चल जाते हैं तो फिर अच्छा रहेगा, लेकिन अब दिक्कत ये आ रही कि इसका साइज बड़ा पड़ रहा है तो मुझे इसको रिटर्न ही करवाना पड़ेगा। और अगर अब मुझे ऑनलाइन तो मिलने वाला है नहीं, अगर मिलता है तो मैं 7 साइज ही बुलवाऊंगा, 8 भी नहीं बुलवाऊंगा, और ऑफलाइन अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, कहीं ऑफलाइन मिल जाता है तो वहाँ पर जाकर लेना पड़ेगा। अदरवाइज इसके अलावा इसकी प्राइस रेंज में कहीं पर मिलता भी नहीं है दूसरा स्केट, तो फिर वो दिक्कत भी है अलग। तो अब ढूंढते हैं दूसरा स्केट और इसको रिटर्न करना पड़ेगा, तो रिटर्न इसको फटाफट से करता हूँ और बस हो जाना चाहिए, रिटर्न भी हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो भी दिक्कत आएगी। अगर रिटर्न नहीं हुआ तो फिर मैं इसको क्या करूँगा इतने बड़े साइज को, वो भी दिक्कत आ जाएगी। तो रिटर्न तो हो जाएगा, वैसे होना चाहिए, कुछ यूज़ भी नहीं किया मैंने इसको, पहना भी तो प्लास्टिक पहनकर ये किया है, तो रिटर्न तो हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यार बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मैं इसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, कब आए कब नहीं आए, जब से मैंने ऑर्डर किया और आपके साथ अनबॉक्सिंग करने के लिए एक रात का और इंतजार किया था, लेकिन आखिरी में अनबॉक्सिंग किया तो उसका साइज ही बड़ा निकल रहा है, तो बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। तो अब इसको मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा और हो सके तो आप ऑनलाइन कहीं पर सर्च करना पड़ेगा, ऑनलाइन तो वैसे मिल नहीं रहा है सही साइज में, लेकिन अगर मिलता है तो आपको भी मैं बताऊंगा और मैं भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा। लेकिन अभी तो इसको रिटर्न कर देते हैं और फिर ऑफलाइन कहीं पर सर्च करना पड़ेगा, आसपास में इंदौर साइड जाना पड़ेगा और वहाँ पर देखना पड़ेगा अगर अवेलेबल हुआ तो, नहीं तो फिर इस प्राइस रेंज में कहीं दूसरे स्केट्स भी मिलते ही नहीं हैं। तो यार आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, ब्लॉगिंग करते हुए या फिर इसी तरह से नया स्केट्स खरीदते हुए, क्योंकि यार ये वाला तो रिटर्न होने वाला है, नया खरीदना ही पड़ेगा, यहाँ ऑनलाइन ना मिले तो फिर ऑफलाइन देखेंगे, कहीं ना कहीं देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।